بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم. Physics کے second lectures کے ساتھ میں ہوں آپ کا teacher محمد ریاض. دیکھیں ہم نے کل chapter 5 start کیا تھا, circular motion کے بارے میں پڑھا تھا. تھوڑا سا ہم recall کرتے ہیں اپنے previous lectures کو. उसमें हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था, फिर सर्कुलर मोशंस की एग्ज़ाम्पल्स के बारे में पढ़ा था कि कौन सी सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन को हम कहाँ देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी एग्ज़ाम्पल्स देखी थी, फिर सर्कुलर मोशंस की कुछ टर्म्स देखी थी जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, फिर एंगुलर वेलोसिटी में आगे फर्दर यूनिफॉर्म, वेरिएबल, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, फिर इनके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स जिसमें तीन यूनिट हमने पढ़े थे, रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशन, फिर इन यूनिट्स के दरमियान रिलेशंस के कौन बड़ा है, कौन सा यूनिट जो है इसमें से छोटा है, फिर वेलोसिटी के बारे में हमने उसके यूनिट्स पढ़े, डायरेक्शंस के बारे में बात की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की. तो ओवरऑल हमने कल यहाँ तक एंड किया था. आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं. अगर कल वाला आप लोगों ने बचे लेक्चर्स पढ़ा है, उसको याद किया है, तो आज काफ़ी सारी चीज़ें वही हैं, उसमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होगा. तो कल हमने वेलोसिटी तक पढ़ लिया था कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या है. आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन. कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है. देखें बच्चों, सिंपल एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है, क्या होता है सिंपल एक्सेलरेशन, सोचें, यही पढ़ा था ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एंगुलर का वर्ड है ना साथ, तो ये भी उसी तरह से हम डिफाइन करेंगे. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वहाँ सिर्फ वेलोसिटी की हम बात करते थे, यहाँ पे क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नॉन एज एंगुलर एक्सेलरेशन. रिप्रेजेंटेशंस का फ़र्क है, उसमें देखें हम ए से शो करते हैं और इसको जो है वो हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं. एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं. इसको हम और वे से भी डिफाइन करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. कोई भी इन दोनों में से आप डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं. फिर उसके बाद है कि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज़ डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल. कल भी हमने यही बात की थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं उसकी डायरेक्शन. एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी हमने राइट हैंड रूल अप्लाई किया था, यूज़ किया था, और आज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी वही है, राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं टू डिटरमाइन टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. और अगर हम उस चीज़ को, कल हमने राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन किया था, तो आज उसी को आगे लेके चलें, हम इन शॉर्ट बात करें तो उसमें क्या है, राइट हैंड रूल के बाद जो रिज़ल्ट आया था कि ये जो डायरेक्शन होती है इट इज़ अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन, मीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों कहाँ होते हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन में. इनकी डायरेक्शन कहाँ होती है, एक्सेस ऑफ रोटेशन में. फिर उसके बाद यूनिट हैं इंटरनेशनल या एसआई सिस्टम जो है उसके अंदर जो एसआई यूनिट है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का, वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है. इसको हम डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर या रेवोल्यूशन पर रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में भी बाद का हम इसको मेजर करते हैं. बहरहाल एसआई यूनिट जो है वो क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर एज वेल एज
रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हैं नेक्स्ट डायमेंशंस। जैसे कल हमने वेलोसिटी की डायमेंशंस देखी थी, एंगुलर वेलोसिटी की, तो डायमेंशंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशंस आर टी माइनस टू। यहाँ पे एक बात, वो क्या था टी माइनस वन और ये क्या है टी माइनस टू। उसके बाद एग्जांपल्स हैं कि कहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारी डेली रूटीन में हम देखते हैं, मैं आप हम सब देखते हैं। हमारे घरों में है कि जब हम ये पंखा बंद होता है, आप उसको ऑन करते हैं, तो जब वो एट रेस्ट पे है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो है, और जैसे जैसे टाइम पास होता है आप स्विच ऑन करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आती है। तो हम कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये जब आप इसको फैन को स्विच ऑन करते हैं तो इसकी जो मोशन है इसके अंदर भी एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो उसी चीज़ को देखें, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी चेंज विद टाइम। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, टाई नहीं है बल्कि ये टाइम है, एम एम मिस हो गया, तो काइंडली आप इसको देख लीजिएगा। एंड फैन पोजेसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या है कि जब हम फैन को ऑन करते हैं तो वो जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है उससे एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। कल हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह पे सिर्फ एक्सेलरेशन का वर्ड है। सेम डेफिनेशंस हैं, जहाँ आपने वर्ड वेलोसिटी लिखा था वहाँ पे आप एक्सेलरेशन लिखेंगे। द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, उसमें क्या था टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज, यहाँ पे क्या है टोटल एंगुलर वेलोसिटी में चेंज, किसके अंदर टोटल टाइम इंटरवल्स के अंदर। तो इसकी जो रेशो होती है उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, रेशो ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ ओमेगा आई एंड ओमेगा एफ आर द वैल्यूज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम टी आई एंड टी एफ, देन जो टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डेल्टा ओमेगा इज द एवरेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंड टोटल चेंज इन टाइम डेल्टा टी है, इसे क्या लिखेंगे एंड टोटल डेल्टा टी इज द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, देन इट इज इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अल्फा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई। तो इसको हम ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई को डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं और इसको डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो क्या है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या है कि टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज नोन एज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। कल हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था, तो क्या था लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, तो एंगुलर वेलोसिटी हमने डिफाइन किया था। तो आज सिर्फ लफ्ज़ों का हमने जो है वो हेर फेर किया है। इसमें देखें द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम सच दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो लिमिटिंग वैल्यू है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी की, ये नीचे हमने लिखा है कि अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या है लिमिटिंग वैल्यू, और लिमिटिंग वैल्यू क्या है डेल्टा टी ज़ीरो को अप्रोच करे, ज़ीरो ना हो। तो जो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी होता है इसे क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास
रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। कल देखें हम एक बात करते रहे हैं, उसमें हम एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते रहे हैं। आज हम एक पॉइंट की बजाय कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी हो और वो रोटेट कर रही हो, तो फिर उसको हम कैसे, उसकी मोशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसी चीज़ को देखें, ये दिखाया गया है, ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सेस ऑफ रोटेशन में बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, ये ओमेगा है। कि अगर हम उसी तरह से ये पूरी डायग्राम, वो सर्कल नहीं बनाया क्योंकि वो सारी चीज़ें, ये सर्कल जो हमने कल था वो हमने बना लिया था, उसी चीज़ का हमने एक पार्ट ले लिया है कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। और रिजिड बॉडी मैंने कल आपको बताया था कि ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि जिसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, या एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करें तो पूरी बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो हो, तो फिर हम उसे कहते हैं रिजिड बॉडी। तो ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और हमने क्या किया है, उसको रोटेट करवाया है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और ये उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है जी एक्सेस से, जिसे हमने शो किया हुआ है। वे इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, वी कंसिडर रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी एज शोन इन फिग। कि ये फिग क्या शो कर रही है, कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और ये रोटेट कर रही है फिक्स एक्सेस के अलोंग, और वो एक्सेस क्या है, ये जी एक्सेस है। इसके अलोंग वो बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी। वी टेक अ पॉइंट पी ऑन द रिजिड बॉडी। ये पॉइंट पी हमने लिया हुआ है, ये एक पॉइंट पी हमने लिया हुआ है, और उसके लिए फिर हमने लाइन ड्रॉ की है। ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ओ से लेके पी तक, ये डॉटेड लाइन शो की गई है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर है, जो कि ड्रॉप किया है ऑन द पी, ऑन द एक्सेस ऑफ रोटेशन। कि ये हमारे पास जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसके रिस्पेक्ट हमने ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है पॉइंट पी पे। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है और ये हमारी नॉर्मल लाइन है एट पॉइंट पी। इट इज़ कॉल्ड रेफरेंस लाइन। इसी ओ पी लाइन को हम रेफरेंस लाइन भी कह देते हैं। एज द बॉडी स्टार्ट्स रोटेशन, लाइन पी आल्सो रोटेट्स विद इट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। कि जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करना स्टार्ट करेगी, तो ये लाइन पी भी उसी तरह से उसके साथ साथ सेम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट करेगी, जिसके साथ ये बॉडी रोटेट कर रही है। As the thus we can describe the rotation of a rigid body in the results obtained from the rotation of the line OP. इसका मतलब हम इस OP line के लिए results जो derive करेंगे, वही results हम apply कर देंगे इसी rigid body के ऊपर। तो अब हम उसके लिए further इसको explain करते हैं कि ये rigid body है, उसको हमने ओपी लाइन से रिलेट कर दिया है, कि ओपी लाइन की मोशन को हमने स्टडी करना है, और वही जो रिजल्ट्स होंगे, जो फाइंडिंग्स होंगी ओपी लाइन की, उसी को हम अप्लाई कर देंगे ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। अब देखें नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं मोस्टली। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। जब भी बॉडी सर्कल में मूव करती है, तो जो उसकी आर्क लेंथ में चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो लीनियर वेलोसिटी है, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थीटा में चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो हमने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज़ के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है। उसके लिए हमने ये फिग, आप इस पर गौर करेंगे कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, जी एक्सेस है, जिसके अलोंग ये बॉडी जो है रोटेट कर रही है, काउंटर क्लॉक वाइज हमने रोटेशन सपोज कर ली है। तो ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, तो एक्स वाई से प्लेन बन रहा है, और इस प्लेन के अंदर वही ओपी लाइन रोटेट कर रही है, या ऐसे कह लें कि रिजिड बॉडी को हम रोटेट करवा रहे हैं। और ये जी एक्सेस है, ये डायरेक्शंस को शो करता है, एक्सेस ऑफ रोटेशन भी कहलाता है। इसमें हम देखें, यहाँ से जब वो बॉडी पॉइंट P1 से P2 तक मूव करेगी, तो P1 से P2 तक ये जो डिस्टेंस है, उसे हम आर्क लेंथ कहते हैं डेल्टा एस।
ये ओ से लेके ये आउटर मोस्ट पॉइंट तक जो ये डिस्टेंस है ये रेडियस है, और ये जो पी वन से पी टू तक ऑब्जेक्ट ने या ओ पी लाइन ने या उस रोटेटिंग बॉडी ने जो मूव किया है उसका जो एंगल है वो क्या है, डेल्टा थीटा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, और ये जो आर्क लेंथ में चेंज है, डेल्टा एस में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फिर लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये आर्क लेंथ जो है वो हमने वेरी स्मॉल लिया है, इसमें वेरी स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम हम लेते हैं, तो इससे हमारे पास ये रिलेशन जो है डिराइव हो जाएगा। अब इस पर गौर करें, कंसीडर अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट जी एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पे देखें कि जी एक्सिस है, जी एक्सिस के अलोंग एक बॉडी है ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है उस सर्कल के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर, जिसका ये रेडियस ये समाल समाल रेडियस आर है। द पॉइंट पी मूव्स अलोंग अ सर्कल विद अ लीनियर वेलोसिटी v एंड द लाइन ओ पी रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कि जैसे वो पॉइंट पी मूव करेगा उसके साथ ही जो ओ पी है ये भी रोटेट करना शुरू कर देगी, ये जो रेफरेंस लाइन है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो हमने कहा क्या है, ओमेगा। एज एक्सेस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, फिक्स्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये जो है, इसके गिर्द रोटेट कर रही है बॉडी, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा रिमेन सेम एंड सो कैन बी कंसिडर्ड एज स्केलर। तो हम क्या करते हैं कि जो ओमेगा है उसको हमने फिक्स ले लिया है कि वो अलोंग जी एक्सिस है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने फिक्स कर दिया है। अब हम जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड जब लेंगे ओमेगा की, तो वो हमारे पास एज अ स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो अलोंग जी एक्सिस है, वो तो हमने बता दी। इसी तरह से सिमिलरली वी ओनली कंसिडर द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी विच इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज स्केलर। कि यहाँ पे जो आर्क लेंथ में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड ले रहेंगे, तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। यहाँ पे और मिस हो गया, तो काइंडली इसका आप ख्याल कीजिएगा। हाँ जी, तो ये हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको भी हमने एज अ स्केलर ट्रीट किया है, और जो लीनियर वेलोसिटी है उसको भी हम एज अ स्केलर ट्रीट कर रहे हैं। नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ अ पॉइंट पी अलोंग द सर्कल, लेट पॉइंट पी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस पी वन पी टू। ये देखें, ये पी वन है और ये पी टू है। जब बॉडी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया है, या पॉइंट ने मूव किया है, या ओ पी लाइन ने इस पी वन से पी टू तक मूव किया है, तो इसके दौरान जो आर्क लेंथ है या जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस है, इन टाइम जो लगा है उसको हमने डेल्टा टी कह दिया। देन रेफरेंस लाइन ओ पी हैज़ एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा रेडियन इन दैट टाइम इंटरवल। तो जब ये डेल्टा एस है आर्क लेंथ, मीन वाइल डेल्टा थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से, क्योंकि बॉडी पी वन से पी टू पे चली गई, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आई है उसे हमने क्या कहा है, डेल्टा थीटा। अब इनके दरमियान रिलेशन कल हमने पढ़ा था एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो आज यहाँ पे साथ हमने डेल्टा लगा दिया है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। आर के अंदर चेंज नहीं आएगी क्योंकि आर कल भी हमने कहा था ये कॉन्स्टेंट होता है, तो इसलिए हमने डेल्टा जो है वो थीटा के साथ लिया, क्योंकि थीटा में चेंज आएगी या डेल्टा एस आर्क लेंथ में चेंज आएगी, रेडियस कांस्टेंट रहेगा। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, हम इसको डिवाइड कर देते हैं डेल्टा टी से, और वो भी कि डेल्टा टी जब जीरो को अप्रोच करें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी एंड अप्लाइंग द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो। कि हमने दोनों साइड्स पे इसको डेल्टा टी पे डिवाइड किया है और ये कह दिया है कि डेल्टा टी वेरी स्मॉल है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म यही अबव इक्वेशन जो है ये बन जाएगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो ये जब लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो ये वेलोसिटी बन जाएगी, लीनियर वेलोसिटी डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, तो इसे हम वी से शो करते हैं, और आर वैसे का वैसे, और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी जो है ये ओमेगा बन जाएगा। तो ये रिलेशन आ जाएगा वी इज इक्वल टू आर
ओमेगा। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन। यहाँ पे वी जो है ये लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। बट कीप इन माइंड दिस रिलेशन इज़ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, इज़ इन अ मैग्नीट्यूड फॉर्म। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको ये लिख सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस r। यहाँ पे v जो है बोल्ड फेस लेटर है, क्योंकि वेक्टर्स को हम बोल्ड फेस लेटर से भी शो कर सकते हैं। ओमेगा भी बोल्ड फेस लेटर है, वेक्टर क्वांटिटी है, एरो हेड मैंने यूज़ नहीं किया। r जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो v इज़ इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस r। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, किसकी, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है। ऊपर वाली ये जो है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और बुक में ये वेक्टर फॉर्म नहीं दी हुई, तो आप इसको जेहन में रखिएगा कि ये उसकी वेक्टर फॉर्म है। तो v इज़ इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस r। और अगर आप इसको देखना चाहें तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में है, और r रेडियस है, उसको आप वेक्टर ट्रीट करें तो r ओमेगा क्रॉस r करें, राइट हैंड लें तो ओमेगा क्रॉस r करें, तो जो राइट हैंड का थंब होगा वो आपका इस v की डायरेक्शन को शो करेगा। या ऐसे कह लें कि ओमेगा और r से जो प्लेन बनेगा, उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर कह लें, नॉर्मल कह लें, ये v की डायरेक्शन होगी उस प्लेन के। या हम इसको एक और फॉर्म में भी कहते हैं कि ये v जो है लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और डेल्टा s आर्क लेंथ है, और डेल्टा टी जो है टाइम है। डायरेक्शन ऑफ v इज़ अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। यह हम जनरली इसको ये भी कह देते हैं कि अगर हम ओमेगा और r को एक्सप्लेन करें तो ठीक है, अगर हम उसके रिस्पेक्ट बात नहीं करते। बुक में चूँकि ओमेगा क्रॉस r नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको बच्चों पता होना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म में v का और ओमेगा का क्या रिलेशन है। तो v जो है जनरली हम ये कहते हैं कि अलोंग दी टेंजेंट टू दी सर्कल होती है। तो जब v की डायरेक्शन अलोंग दी टेंजेंट टू दी सर्कल होती है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी हम इसको कहते हैं इस केस में, कि चूंकि इसकी डायरेक्शन टू टेंजेंट टू दी सर्कल है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है। तो यही चीज़ है, देखें, वेयर वी इज़ लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंड डेल्टा एस इज द आर्क लेंथ इन टाइम डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो, मीन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल लिया गया हमें। द डायरेक्शन ऑफ वी इज अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये है जी हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब नेक्स्ट रिलेशन है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। उसी डायग्राम को सपोज करते हुए हम आगे जा रहे हैं कि व्हेन रेफरेंस लाइन ओ पी इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, द पॉइंट पी विल आल्सो हैव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ए टी से भी शो करते हैं। असल में जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रही है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंज आ रही है तो उससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, जिसे हम लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो फिर इनके दरमियान रिलेशन है, इस रिलेशन को हम उसी तरह से लिमिटिंग वैल्यू लेंगे और हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा, जैसे कि ऊपर हमने ये लिया है कि ये देखें, ये हमने लिमिटिंग वैल्यू ली है और उसको डेल्टा टी पे डिवाइड किया और ये रिलेशन आ गया। इसी तरह का काम हम दोबारा से करेंगे। अब इसमें देखें क्या है कि लेट चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इज डेल्टा वी एंड चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा ओमेगा इन टाइम डेल्टा टी ऑफ द रोटेट ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अलोंग अ सर्कल, देन डेल्टा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर यहाँ पे वी में चेंज आ रही है तो डेल्टा वी हो जाएगा, ओमेगा में चेंज है तो डेल्टा ओमेगा। तो सिर्फ हमने यहाँ पे डेल्टा साथ ऐड कर दिया है,
तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर डेल्टा ओमेगा। हमने उसी तरह से दोनों साइड्स पे डेल्टा टी से डिवाइड किया है, डेल्टा टी से डिवाइड किया ऊपर वाली इक्वेशंस को, तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी एंड अप्लाइंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो क्या हो गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो दोनों तरफ इस इक्वेशन को हमने डेल्टा टी पे डिवाइड कर दिया है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले ली है कि जब टाइम वेरी शॉर्ट है और वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो ये रिलेशन हमारा बन जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन, इसे हम ए टी कहते हैं, आर वैसे का वैसे रहेगा, और ये जो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसे हम अल्फ़ा से शो करते हैं, अभी हमने ऊपर इसको डिफाइन किया है। तो क्या बन जाएगा रिक्वायर्ड रिलेशन, ए टी इज इक्वल टू आर एल्फ़ा। ये भी उसी तरह से क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है या रिक्वायर्ड रिलेशन है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ए टी, ये बोल्ड फेस लेटर से हमने इसको वेक्टर फॉर्म में शो किया हुआ है, ए टी इज इक्वल टू एल्फ़ा क्रॉस आर। बाज़ औक़ात बच्चे आर क्रॉस एल्फ़ा लिखते हैं, वो रॉन्ग है, ये अल्फ़ा क्रॉस आर होता है, जैसे ऊपर अभी हमने ओमेगा क्रॉस आर पढ़ा है, तो ये उसकी वेक्टर फॉर्म है कि ए टी इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा क्रॉस आर, तो ये उसकी वेक्टर फॉर्म है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और ये उसकी क्या है, वेक्टर फॉर्म है हमारे रिक्वायर्ड रिलेशन की। क्या रिक्वायर्ड रिलेशन है, टेंजेंशियल और लीनियर एक्सेलरेशन के दरमियान। अब दो एक दो चीज़ें हैं ये आपने नोट करनी है, ये जो हमारी सारी डिस्कशन है उससे देखें, सम पॉइंट्स आर एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस इक्वेशंस, ये ऊपर जो दी हुई हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये उन इक्वेशंस की बात हो रही है। ये कहता है कि पॉइंट डू नॉट हैव सेम लीनियर स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, कि लीनियर वेरिएबल्स अगर आप लें तो उसमें अगर डिफरेंट पॉइंट्स आप लेते हैं तो उनका डिफरेंट पॉइंट्स का जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास वेलोसिटी के या एक्सेलरेशन के, वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम एंगुलर वेरिएबल्स लें तो जो हमारे पास, ये एक पहले इसको अंडरस्टैंड करें फिर हम डायग्राम पे देखते हैं। देखें मैंने ये लिखा है एंगुलर वेरिएबल्स, ऑल पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, देन दीज पॉइंट्स हैव सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, थस वी कैन डिस्क्राइब मोशन ऑफ इंटायर बॉडी बाय यूजिंग एंगुलर वेरिएबल्स। देखें ये इसकी बात हो रही है, ये आप ज़रा गौर करेंगे, हम पीछे चलते हैं, ये हमारे पास ये पीछे डायग्राम है, ये उसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। देखें अगर ये एक रिजिड बॉडी है तो इस रिजिड बॉडी के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लेंगे, जितने पॉइंट्स बने इसके सारे के सारे पॉइंट्स एक ही एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट कर रहे होंगे। मतलब ये नहीं है कि आप इस रिजिड बॉडी का कोई ये एक पॉइंट यहाँ लें, एक पॉइंट मिड पे लें, एक थोड़ा उससे आगे ले लें और एक लास्ट पे ले लें, कि इस रिजिड बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पॉइंट्स आप ले लें तो हम ये नहीं कह सकते कि हर पॉइंट जो है उसकी डिफरेंट वैल्यू होगी वेलोसिटी की स्पीड की एंगुलर स्पीड एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, नहीं, बल्कि इन तमाम की वैल्यू सेम होगी। मीन जो पहला पॉइंट होगा जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, दूसरा जो पॉइंट लेंगे उतना ही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तीसरा जो पॉइंट लेंगे उसका भी उतना ही होगा, चौथा देंगे उसका भी उतना ही होगा। तो यही बात हमने यहाँ नीचे लिखी है, इस पर अब हम आगे चलते हैं कि ये जो हमने बहुत लिखी है, ये दो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि इन दो पॉइंट्स पे आप गौर करें, तो ये हमारे पास
all points on a rigid body rotating about a fixed axis, then these points have same angular displacement, angular speed, angular acceleration at any instant. कि कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम लेंगे रेफरेंस के रिस्पेक्ट, तो हर पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तमाम के क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में है, वो हमने फिक्स कर ली है. ठीक है, तो हर पॉइंट की डिफरेंट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी ऑन अ रिजिड बॉडी. जब तमाम पॉइंट्स की सेम होगी तो इसका मतलब जो वैल्यू हमने लाइन ओ पी के लिए ली है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटायर बॉडी है, कौन सी इंटायर बॉडी, रिजिड बॉडी की बात हो रही है बच्चों, तो हमारी जो इंटायर रिजिड बॉडी है उसके लिए जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं. इंटायर बॉडी के लिए भी वही होंगे. तो इसका मतलब जैसे कल हमने सिर्फ एक पॉइंट पी के लिए रिजल्ट्स डिराइव किए थे, पॉइंट पी की बात की थी, आज हमने क्या किया, एक रिजिड बॉडी कंसिडर की है, फिर उस पर एक लाइन को कंसीडर करके उसकी मोशन को स्टडी किया है, फिर हमने ये देखा है कि जो रिजिड बॉडी है उसके ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं उन सब का जो ये एंगुलर वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ तमाम पॉइंट्स के लिए सेम होती हैं. तो इसका मतलब उन पॉइंट्स की जो वैल्यू आएगी या उस लाइन ओ पी की जो हमने कंसीडर की थी, जो उसकी वैल्यूज़ हैं एंगुलर वैल्यूज़, एंगुलर वेरिएबल्स, वो तमाम एंगुलर वेरिएबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं. किसके लिए एंगुलर वेरिएबल्स, तमाम वेरिएबल्स को, इंटायर रिजिड बॉडी के लिए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशंस. कि हमने देखें इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी हुई हैं, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर मोशन के केस में, कि जब हम कहते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन हो तो ये इक्वेशंस, जिसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी को चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था रेफरेंस बनाया था, और हमने कहा था कि अगर कोई वेरिएबल उसके डायरेक्शंस के अगेंस्ट होगा तो उसे नेगेटिव साइन असाइन करेंगे, और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो फिर वो इक्वेशंस हमने लिखी थी, आपको याद होगा, यहाँ नीचे जो की गई हैं लीनियर के केस में, कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फिर 2as is equal to vf square minus vi square, फिर s is equal to vit plus half at square. तो ये जो equations of motions आपने linear motion के केस में पढ़ी थी, इन्हीं equations of motions के केस को हम use कर सकते हैं for angular motion. कि अगर uniform angular acceleration हम consider करें तो यही equations apply हो जाएंगी उसके ऊपर, angular motion के ऊपर. तो यही लिखा है, दी लीनियर मोशन इक्वेशन आल्सो अप्लाई टू दी एंगुलर मोशन, इक्वेशंस जो हैं वो सिमिलर हैं इन लीनियर इक्वेशंस आर गिवन बिलो. यहाँ पे देखें वी एफ की जगह ओमेगा एफ है, वी आई की जगह क्या है ओमेगा आई है, और ए की जगह पे क्या है ये अल्फा है. तो ये जो इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है वो हमारी हो गई है ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ए टी. फिर 2as is equal to vf square minus vi square, उसको हमने चेंज किया 2, a की जगह पे अल्फ़ा, s की जगह पे थीटा, तो 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू vf की जगह ओमेगा f आ जाएगा और vi की जगह ओमेगा i आ जाएगा. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा f square minus ओमेगा i square. सिमिलरली थर्ड इक्वेशन नेक्स्ट देखें, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है, तो एस की जगह पे क्या आ जाएगा थीटा, वी आई की जगह ओमेगा आई, ये देखें ओमेगा आई, और ए की जगह पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा. तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर जो है एंगुलर मोशन में, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर. तो बच्चों यहाँ तक जो था ये हमारा वो जो प्रीवियस हमने पढ़ा था एंगुल लीनियर मोशंस का, अब हम ये एंगुलर मोशंस में इस चैप्टर में आगे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये इक्वेशंस यूज़ किया करेंगे जो आज हमने इनको लिखा है, कि ये लीनियर मोशन में जो इक्वेशंस थी उन्हीं इक्वेशंस को हमने चेंज कर दिया है एंगुलर मोशन में, और एंगुलर मोशन में जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे इस चैप्टर के अंदर तो हम ये इक्वेशंस यूज़ करेंगे. ठीक है जी.
उसके बाद है दीज एंगुलर इक्वेशंस आर अप्लाइड व्हेन एक्सेस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड एंड ड्यू टू ऑल वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन दे आर ट्रीटेड एज स्केलर्स। देखें जी, यहाँ हमने वेक्टर साइन नहीं लगाए। आपको याद होगा कि पीछे जो लीनियर मोशन में आपने ये इक्वेशंस यूज़ किए हैं, ये वाली अबव इक्वेशंस, इन इक्वेशंस में आपने कहीं पे भी वेक्टर साइन नहीं लगाए। इसी तरह से, क्योंकि आपने डायरेक्शंस को एक स्ट्रेट लाइन में कंसीडर कर लिया था, इसी तरह आज हम कह रहे हैं कि जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं वो एक्सेस ऑफ रोटेशन में होती है, तो वो फिक्स्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया है, तो फिर ये इनको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसीलिए देखें, हमने ओमेगा एफ, ओमेगा आई, अल्फा, इन पे कोई वेक्टर साइन नहीं लगाए, हमने इनको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है। तो जब आप इनको एज अ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेंगे, तो फिर ये इक्वेशंस या ये वेरिएबल्स जो हैं, ये एज अ स्केलर ट्रीट होंगे। तो हम इनको एज अ स्केलर ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहाँ अंडरस्टूड है कि जो डायरेक्शंस है ओमेगा एफ की, ओमेगा आई और अल्फा की, ये क्या है, अलोंग दी एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेकेंड लेक्चर जो है वो कम्प्लीट हुआ। अब एक दो मिनट में हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, और इसमें देखें जी, हमने स्टार्ट लिया है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फिर इसको हम अल्फा से शो करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, और जनरल बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन एक्सेस ऑफ रोटेशन में होती है। इसका यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, या डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, या रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर भी यूज़ किए जाते हैं। फिर इसकी डायमेंशन की हमने बात की है कि ये टी माइनस टू है। उसके बाद एग्जांपल्स है कि कहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन हम देखते हैं, तो ये डेली रूटीन में हम देखते हैं, जैसे फ़ैन की यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है कि जब उसको आप स्विच ऑन करते हैं तो वेलोसिटी में, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आती है, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया है कि टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम जो है, ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है। फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की हमने बात की है कि लिमिटिंग वैल्यू जो होती है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी की, उसे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने आज जो नया काम किया है वो यही किया है कि एक रिजिड बॉडी है, अगर वो रोटेट कर रही है तो उसके लिए हम ये रिलेशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, या उसके लिए कौन से एंगुलर वेरिएबल्स होंगे। तो उसके लिए फिर हमने ये सारा इसको एक्सप्लेन किया है कि उसको रिजिड बॉडी जो थी उस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है एक्सेस ऑफ रोटेशन के, फिर ओपी लाइन बन गई है, फिर इस लाइन की मोशन को हमने एक्सप्लेन किया है, और हमने कहा जो रिजल्ट्स इस लाइन के लिए आएंगे वही रिजल्ट्स एप्लीकेबल होंगे फॉर दिस रिजिड बॉडी। तो उसके लिए फिर हमने रिलेशंस पढ़े हैं एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान, क्या रिलेशन आया है, वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म में क्या आया है, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। फिर हमने क्या किया है जी, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन फाइंड किया है, और उसमें वो हमारे पास क्या आया है कि लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो आर अल्फा के इक्वल होता है, और इसमें जो वेक्टर फॉर्म है उसको जब हम लिखते हैं तो ए टी जो है वो अल्फा क्रॉस आर के इक्वल होता है। फिर हमने एक दो पॉइंट्स जो थे इम्पॉर्टेंट, या कंक्लूजन जो हमारा था कि अगर हम लीनियर वेरिएबल्स लेते हैं तो उनके डिफरेंट पॉइंट्स लें तो उनकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह जो हैं उनकी वैल्यू सेम नहीं होती। अगर हम वो लेते हैं, कोई रिजिड बॉडी लेते हैं तो उसके ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं उसके लिए ये तमाम जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ सेम रेट के साथ चेंज होती हैं या इक्वल चेंज होती हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि हम हर पॉइंट्स के लिए सेम वैल्यू चेंज हो रही होती है, तो हम इन इक्वेशंस को एज अ होल या इन वेरिएबल्स को, एंगुलर वेरिएबल्स को हम एक इंटायर बॉडी या जो रोटेटिंग बॉडी है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है यही जो वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा है और ए टी इज़ इक्वल टू आर अल्फा है, ये रिजल्ट्स उसके लिए यूज़ हो सकते हैं। फिर इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हमने आज चेंज किया है कि लीनियर से एंगुलर में जब जाएंगे तो क्या चेंज आएगी, और इसके साथ ही
हमने ये कहा कि आज के बाद जब हम आगे कहीं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, एंगुलर मोशंस को हमने एक्सप्लेन करना होगा तो इन इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे जहाँ हमें इनकी ज़रूरत होगी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। आप इसको पढ़िएगा, इस लेक्चर्स को देखिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज़ वेलकम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।